आज हमारा टॉपिक रहेगा बायोडायवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स। तो आइए देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है और इसके टाइप्स जो है कितने तरीके के होते हैं। बहुत से लोग इसमें डाउटफुल रहते हैं कि बायोडायवर्सिटी, अगर पूछा जाए कि बायोडायवर्सिटी क्या है, तो सही से उत्तर नहीं दे पाते हैं या उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं रहता है। तो आइए देखें बायोडायवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स। जो बायोडायवर्सिटी है, जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, सम टोटल ऑफ द लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। लिविंग बीइंग्स से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो जनरली लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी से लगाते हैं, जो कि सही है। लेकिन जो बायोडायवर्सिटी वो केवल स्पीसीज डाइवर्सिटी ही नहीं है, बल्कि इसमें ब्रॉडली स्पीकिंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूडेड होते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी है कि सम टोटल ऑफ दीज थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द डाइवर्सिटीज। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, आप सभी इससे परिचित होंगे, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है इट रेफर्स टू द different types of the species present on the earth, starting from the bacteria up to the human beings. अलग अलग क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग फाइलम में डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट फैमिलीज, और हर एक फैमिलीज के डिफरेंट डिफरेंट जेनरा, उसकी स्पीसीज। तो यहाँ पर जो स्पीसीज है इट इज द यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। दिस स्पीसीज डाइवर्सिटी इज important and inherent part of the biodiversity. The genetic diversity, it refers to the sum total of the genes present in a population or a community. किसी एक community में या किसी एक species में, community नहीं बल्कि हम species को लें, किसी एक species में अगर हम देखें तो वो species पूरे अर्थ में अलग अलग populations में distributed रहती है। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज लिविंग टुगेदर एंड फ्रीली इंटरब्रीडिंग, जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं किसी एक स्पीसीज के, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रहें और उसमें फ्रीली इंटरब्रीडिंग होती हो वाइल्ड कंडीशन में, तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। तो अलग अलग पॉपुलेशन में, किसी एक स्पीसीज के अलग अलग पॉपुलेशन में जितना डिफरेंट टाइप ऑफ द जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम जीन पूल कहते हैं, टोटल जीन पूल। यानी कि हर एक इंडिविजुअल, जितने स्पीसीज हैं, जितने इंडिविजुअल्स किसी किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, हर एक पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होता है। और इस भिन्नता का जो कारण होता है, जो इस भिन्नता का कारण होता है, दैट इज देयर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द जीनोटाइप। यानी कि दोनों चीजें मिलकर के उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करती हैं, उसका मॉर्फोलॉजिकल, उसका एनाटॉमिकल, उसका बायोकेमिकल जो कंपोजिशन है डिसाइड करती हैं। तो हर एक इंडिविजुअल आप देखेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन में दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, इवन ईजेड ट्विंस भी नहीं होते हैं। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन। अब हम जीन्स को देखें तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स दे सम जीन्स दे आर मल्टीपल, दे हैव मल्टीपल अलील्स। कई जीन्स जो होते हैं उनकी एक से ज्यादा कॉपी होती है, किसी एक जीन की कॉपी, अल्टरनेट कॉपी, उसको हम लोग बोलते हैं अलील। जैसे कि अगर आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में था कि टॉल एंड ड्वार्फ, तो टॉल एंड ड्वार्फ लेंथ का जीन है। जीन कौन सा है? लेंथ का जीन है। उसके दो रूप है, एक तो टॉल जो कि डोमिनेंट जीन है, और उससे म्यूटेट होके जो नया जीन बना, नया अलील बना, वो हुआ ड्वार्फ। तो टॉल एंड ड्वार्फ ये दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में अलील है, बट दे आर जीन्स फॉर द हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक, तो ये जो अलील है ये केवल
केवल एक स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के जो अलील्स होते हैं वो मल्टीपल फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड ग्रुप होता है वो चार अलग अलग तरीके का है, एंड दिस इज डिटरमाइंड बाय द थ्री डिफरेंट अलील्स, अलील ए, अलील बी एंड अलील जीरो। ये तीनों अलील मिलकर के ह्यूमन का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, आई कलर ऑफ द ह्यूमन बींग्स, है ना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील्स। तो ये जो अलील बनते हैं, ये अलील वास्तव में म्यूटेशन की वजह से बनते हैं। जब जीन म्यूटेट होता है तो एक नया फॉर्म जीन का तैयार होता है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो किसी पॉपुलेशन में तीन तरह के इंडिविजुअल आपको मिलेंगे, किसी एक पर्टिकुलर जीन के रेफरेंस में। या तो वो इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, अथवा वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा, अथवा हेटरोजाइगस कंडीशन में होगा। तो ये जो हेट्रोजाइगस स्पीसीज होती है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी। किसी स्पीसीज डाइवर्सिटी तभी मेंटेन रह पाएगी जब उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी इरोड ना हुई हो, वो मेंटेन हुई हो, तभी वो स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन रह पाएगी। अदरवाइज लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लॉस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, करेक्ट। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। द थर्ड वन इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज रिलेटेड विद द इट इज रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। हर एक इकोसिस्टम, जितने भी अर्थ पे इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, सबसे पहले तो हर एक इकोसिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो सारे इकोसिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, और दूसरा, हर एक इकोसिस्टम का एक अपना कैरेक्टर होता है। जिस इकोसिस्टम में, हर एक इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज सर्वाइव करती है, तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज और सम टोटल ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में किसी एक इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग बींग्स रह रहे हैं उनको कम्युनिटी में डिफाइन करते हैं। फिर में भी प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, बैक्टीरियल कम्युनिटी एंड सो ऑन। फिर इसको हम और छोटा लेवल पे जो है ले जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर फाइलम के लेवल पर, क्लास के लेवल पर, जीनस के लेवल पर, स्पीसीज के लेवल पर। स्पीसीज के लेवल पर हमने आपको बताया यूनिट होती है पॉपुलेशन। तो जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, दिस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इट रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द कम्युनिटी एंड दे आर सराउंडिंग इन विच दे आर लिविंग। कम्युनिटी जिस सराउंडिंग में रहती है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में फिजिकल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर देखें तो जो माउंटेन इकोसिस्टम है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक। माउंटेन इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉन्ड इकोसिस्टम। रिवर इकोसिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द डेजर्ट इकोसिस्टम। तो हर एक इकोसिस्टम का फिजिकल फैक्टर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हम बात करें तो इडैफिक फैक्टर मीन्स द फैक्टर्स रिलेटेड विद द सॉइल। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट, विंड वेलोसिटी, है ना, प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर, ये सब जो है, टेम्परेचर, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लाइमेटिक वेरिएशंस। तो ये जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस होते हैं, दे अफेक्ट द टाइप ऑफ कम्युनिटी लिविंग इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। यानी कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, वो क्लाइमेटिक फैक्टर है या जो फिजिकल फैक्टर्स है, दे अफेक्ट द टाइप ऑफ कम्युनिटी लिविंग इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पोलर रीजन की बात करें, नॉर्थ पोल की बात करें, तो नॉर्थ पोल में कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। वहां पर कौन मिलेगा नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें तो? पोलर बेयर, फिर आर्कटिक फॉक्स, सील, वॉलरस, आर्कटिक रैबिट, दीज आर द ऑर्गेनिज्म। और इनकी यूनिवर्सल, इनकी इनकी खासियत देखें, ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म दे हैव द व्हाइट कलर फर,
ये जितने भी ऑर्गेनेल में उनमें व्हाइट कलर का ही फर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो क्लाइमेट है वो बर्फ जमी रहती है, बर्फ व्हाइट कलर की। अगर इनके फर का या स्किन का कलर व्हाइट के अलावा कुछ डिफरेंट होगा तो ये आसानी से अपने प्रीडेटर्स के द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं। और नतीजा कि व्हाइट के अलावा अगर कोई दूसरा कलर इनके में डेवलप होता है तो वो स्पीसीज उसका सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उसके प्रेडेटर्स उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको मार देंगे। तो बाकी स्पीसीज की तुलना में जो कलर्ड स्पीसीज हैं, दे आर इन डेंजर इन केस ऑफ आर्कटिक इकोसिस्टम और द पोलर इकोसिस्टम। ठीक, नॉट ओनली द फिजिकल फैक्टर और द क्लाइमेटिक फैक्टर अफेक्ट द कम्युनिटी लिविंग देयर इन, the community itself also affect the physical factors of that particular ecosystem. यानी जो relationship है वो mutual है। physical factor biological factor को affect करते हैं, biological factors physical factor को affect करते हैं। for example हम grassland को ले लें, grassland ecosystem। जो grassland ecosystem है it is characterized by the grasses and sporadically distributed trees। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासेस स्पीसीज ज्यादा होगी और कहीं कहीं बिखरे हुए ट्रीज पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। तो ऐसे इकोसिस्टम में वो ऑर्गेनिज्म आपको ज्यादा मिलेंगे जो कि आसानी से दौड़ सकते हैं, उनमें दौड़ने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भारी भरकम जो स्पीसीज है वो आपको ज्यादा मिलेंगे, उनका जो डायमेंशन है, साइज है, वो आपको ज्यादा बड़ा मिलेगा। राइट, अब अगर आप इमेजिन कीजिए कि किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वहां पर एक करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया एलिफेंट्स में, एलिफेंट्स की संख्या ज्यादा हो गई या एलिफेंट्स की संख्या कम हो गई, दोनों केस है। तो एलिफेंट्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो एलिफेंट्स क्या करेंगे कि जो ट्रीज है ट्रीज को खाना शुरू करेंगे, उनमें खाने खा खा के वहां पे जो पेड़ प्रेजेंट है उनको खत्म कर देंगे, जो भी उस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ट्रीज प्रेजेंट है वो खत्म कर देंगे, वहां ट्री बचेगा ही। तो मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करने की वजह से क्या होगा कि जो ट्री पे डिपेंडेंट और दूसरे स्पीसीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अथवा अगर किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम से हाथी को आप हटा दीजिए, एलिफेंट्स को रिमूव कर दीजिए, तो वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कैसे? कि जो एलिफेंट्स हैं इनकी जो एक पॉपुलेशन अगर निश्चित मात्रा में रहती है तो ये एलिफेंट जब चलते हैं तो जो यंग सीड जर्मिनेशन के बाद जो ट्री के यंग प्लांटलेट्स होते हैं उनको ये खा लेते हैं अथवा अपने पैरों से कुचलते जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ट्री स्पीसीज हैं इनकी संख्या बड़ी कम रहती है और ग्रासेस की संख्या ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर इकोसिस्टम मॉडिफाई कौन कर रहा है? एलिफेंट। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग की स्टोन स्पीसीज कहते हैं, यानी वो स्पीसीज जो अपने पर्टिकुलर इकोसिस्टम को मॉडिफाई करने की क्षमता रखते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में वो स्पीसीज जिनके एक्टिविटी की वजह से या जिनकी एक्टिविटी पर दूसरे और बहुत सारे स्पीसीज का सर्वाइवल डिपेंड करता है, उनको हम लोग कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में एलिफेंट इज ए कीस्टोन स्पीसीज। ठीक, सो दिस डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम, दिस इकोसिस्टम इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर एज वेल एज दिस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज रिलेटेड विद द स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी नहीं होगी तो स्पीसीज में भी डाइवर्सिटी आपको नहीं दिखाई देगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों जगह बर्फ है, नॉर्थ पोल में पोलर बेयर है तो साउथ पोल में पेंगुइन्स है। पेंगुइन्स वहां क्यों सरवाइव कर रही है साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में पेंगुइन्स क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि साउथ पोल में प्रेडेटर है ही नहीं। आप साउथ पोल यानी एंटार्क्टिका में देखें तो वहां पर प्रेडेटर्स जो है बहुत कम है। अगर नॉर्थ पोल के पोलर बेयर को आप एंटार्क्टिका में रख देंगे तो दे विल ईट अप ऑल द पेंगुइन्स विद इन 10 to 20 years और वहां से पेंगुइन गायब हो जाएंगे। फिर फाइनली पेंगुइन गायब हो जाएंगे तो उनको खाने को कुछ मिलेगा नहीं, पोलर बेयर भी गायब हो जाएंगे।
So every ecosystem, it has unique characters, and that unique character is due to its physical features as well as the community living therein. So these are the three different type of the biodiversity, which are interrelated with each other and together make the sum total of the biodiversity. And sum total of the biodiversity is represented by the biosphere of the earth. Now, अब हम बात करें यहाँ पर अभी तक तुमने biodiversity की बात की. Now we should discuss about the conservation biology because the topic for the paper is conservation biology. The conservation biologist, they are solely function for the survival of the species, or in other words, they are focused on diversity of the organisms which are different, which are engaged in different ecological roles. Means every species in its ecosystem, it performs a particular function, or it is assigned with a particular duty in their ecosystem, which is done by that particular organism. So that is called niche of that particular organism. And one organism niche is different from the another organism. Agar niche overlap hogi, to un dono species ke beech mein, agar do alag alag species ka niche overlap hoga, yani jo functional role hai, wo match karne lagega, similar ho jayega, to unke beech mein competition badh jayega, and the better adopted species will survive, and less adopted species will be eliminated from the ecosystem. तो जो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं, दे फोकस ऑन द फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम और पर्टिकुलर कम्युनिटी, कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल रोल्स हैं, वो किन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. क्यों? कि कई बार क्या होता है कि जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, वहां पर जो इकोलॉजिकल रोल है वो मैच करने लगते हैं. ठीक है, इकोलॉजिकल रोल मैच करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रेडेटर्स, किसी इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में जो लेपर्ड का फंक्शन है लगभग मिलता जुलता, वही फंक्शन आपका चीता का भी है. इंडिया में चीता नहीं पाया जाता, बट अफ्रीका हैज बोथ लेपर्ड्स एज वेल एज द चीता, दे हैव द सिमिलर इकोलॉजिकल रोल. So, if the conservation biologists, they are working for habitat restoration, मान लीजिए कहीं कोई habitat है जो कि उजड़ गया है, and it is a very prime important type of the habitat, then that habitat is conserved by the conservation biologist, and for conservation point of view, those conservation biologists will focus on the type of organism performing different type of the ecological. They are not concerned with the species number or individual species extinction, right? So they will focus on function of the ecosystem, ki us ecosystem ka function chalane mein, us ecosystem ko theek se function karne mein kaun se species sahayak hai. Conservation biologist un species ko protect karne ke liye pehle kaam karenge. Later on they will look on the other secondary species, right? Now the species diversity, what are the different type of the species diversity? Agar hum species diversity ki baat kare to sawal aata hai, what is the species? The species kya hai? Species ka concept agar hum dekhe to there are three different definitions of the species. One is morphological species, second is biological species, third is the evolutionary species. मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज से हम सभी परिचित हैं, हर एक स्पीसीज एक दूसरे स्पीसीज से डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल डॉग्स की स्पीसीज ले, है ना, अल्सेशियन अलग है, लैब्राडोर अलग है ना, रोटवाइलर अलग है. यहाँ हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो भोटिया डॉग्स पाए जाते हैं, दे आर द डिफरेंट, है ना. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस which are different in morphology. The biological species concept, the biological species concept is based on the character
that the individuals which are potentially interbreeding among themselves in wild condition, they are supposed to belong to same biological species. कई बार क्या होता है कि एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जब अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन या इकोलॉजिकल रीजन में रखे जाते हैं तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन आ जाता है. तो दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द जियोलॉजी, द मॉर्फोलॉजी गेट्स चेंज्ड. And in such condition, it is difficult to detect whether they belong to the same species or not. Then here comes the biological species concept. Agar two morphologically different individuals ke beech mein, wild condition mein, interbreeding agar possible hai and they produce fertile, viable offsprings. Interbreeding ke baad, unke jo offsprings paida hote hain, they are also fertile. They are able to reproduce and produce the next generation. Then such type of the individuals are supposed to belong same species, whether they are morphologically same or not. This is the biological concept of the species. The third species concept pertains to the evolutionary species concept. In this concept, we focus on the similarity in the DNA composition, or in other words, the sequence of the nucleotides of two different individuals. If the sequence of the DNA nucleotides is similar, then they are supposed to be belonging to the same species, whether they are morphologically similar or not, whether they are biologically whether they are potentially interbreeding or not, right? So those species which share the unique similarity in their DNA in terms of nucleotide sequences, they are supposed to belong the same species, and such species are called evolutionary species. The evolutionary species share common evolutionary past. In sabhi species ka jo evolutionary past hota hai, that is the same. But for the purpose of conservation, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सा species concept ज्यादा better है, जिसको कि हम practically conservation biology के purpose के लिए हम apply कर सकते हैं? If you see this, then among these three different definition of the species, the morphological species concept is better suited for the conservation biology approach, because for different type of the plant species or the lower organisms to apply the biological concept is very difficult. Similarly, the evolutionary species concept requires isolation of the DNA, sequencing of the DNA, and matching of the nucleotide sequences, which requires highly sophisticated tools, highly sophisticated laboratories, and highly trained technicians to perform the experiment and determine the similarity in DNA sequence. That is very difficult and possibly impracticable in field. So therefore, for the conservation biology, we follow the morphological species concept, which is the best suited for our purpose. Now, the measuring of the species diversity. How we can measure the which region is rich in particular biodiversity? कौन सा क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी रिच है, कौन सा बायोडाइवर्सिटी पुअर है? क्योंकि जब हम कंजर्वेशन अप्रोच लेके जाएंगे, हम उन एरियाज को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे जहां पर बायोडाइवर्सिटी पुअर हो रही है, जो कि रिच थी अब पुअर हो गई है, या जो पुअर है और पुअर हो रही है ड्यू टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज. तो किस रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, किस रीजन में कम है, इसको हम कैसे नापेंगे? तो टू मेजर द स्पीसीज डाइवर्सिटी, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द डाइवर्सिटी व्हिच वी कंसीडर और व्हिच वी अप्लाई इन मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज. वन इज द अल्फा डाइवर्सिटी, अनदर वन इज द गामा डाइवर्सिटी, द थर्ड वन इज द बीटा डाइवर्सिटी. अल्फा, गामा
and beta diversity. What is the alpha diversity? Alpha diversity refers to the number of the species found in a given community. In a particular community, किसी एक particular ecosystem के community में जितने species पाई जाती हैं, all sum of the species number is the alpha diversity. The gamma diversity, it refers to the number of the species at large geographical scale. Large geographical scale में जितने species पाई जाती हैं, उनको हम gamma diversity कहते हैं. And the beta diversity, it is the rate of change of species. If we move across a large region like the ecosystems or the mountain range or the continents, जब हम किसी एक continent, यानी कि एशिया continent या ऑस्ट्रेलिया continent में जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जाते हैं, तो जो rate of change of species है, यानी species के बदलने की जो दर है, उसको हम लोग बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं. इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं कि अल्फा डाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इट रिलेटेड विद द डाइवर्सिटी ऑफ द गोमखाल, डाइवर्सिटी ऑफ द जहरीखाल, डाइवर्सिटी ऑफ द लैंसडाउन, इट इज द अल्फा डाइवर्सिटी, राइट. बट इफ वी कैलकुलेट द डाइवर्सिटी ऑफ द लोअर हिमालयन रेंज, इंटायर रेंज वी आर कवरिंग इन दिस रीजन, देन it is the gamma diversity, right? And beta diversity means the difference or rate of change of the diversity from Gumkhal to Jehrikhal, Jehrikhal to Lansdowne. This rate of change of diversity is the beta diversity. We can better understand the alpha, gamma and beta diversity in next slide. Perhaps you have gone through these slides or such type of experiments. So let us consider there are three different regions and each region has three different hills, right? So in region one, this is one mountain, this is another, and this is the third mountain. Similarly, in region two, one, two, three, there are three different type of the mountains, and in region three, another three different type of the mountains. If you consider the mountain number one of region one, this is the region one, mountain number one. How many species are there? There are three and three, six species. In mountain number two, there are five species. And in mountain number three of the region one, there are four, five, six, seven species, right? So what is the alpha diversity of region one? You just take the average of these three hills. Average le lijiye means 6 plus 5 plus 7 is equal to, this will be 6 plus 5 plus 7 divided by 3 is equal to 6. That is the alpha diversity. Similarly, in region 2, the mountain region 1 has 3 species, the second mountain has 4 species, and the third mountain has the 5 species. Just take the sum of these three mountains, 3 plus 4 plus 5 divided by 3 is equal to alpha diversity of this region is 4. Similarly, in region 3, 2 species in first mountain, 3 species in second mountain, and 4 species on third mountain. Just take the sum, 2 plus 3 plus 4 divided by the 3 mountain is equal to 3. So in all these three regions, the alpha diversity varies from 6 to 4 to 3. Now, the gamma diversity refers to the total number of the species present in region 1, 2, and 3. In region 1, you can see A, B, C, how many different types of the species are present. So here you can see in mountain number 3, there are seven different types of the species. So the gamma diversity in region one is 7. Whereas in case of the region two, you can see 1, 2, 3 different type of the species. D is the fourth one species, E, F, G. Here is 3 plus 4, 7. Then here again, H, I, J are the different species. So 7 and 3 here, again, total 10. Gamma diversity is
10 in this case. In case of region 3, AB, 2 species, CDE, 3, 4, 5 species. And here E is the common, so we will exclude it, F, G, and H. So if we see how many different types of the species present in region 3, they are the 8. So in these type of the regions, or the region 1, 2, and 3, the alpha diversity and the gamma diversity are the different. Now, if you have the data for the alpha and gamma diversity, you can simply calculate the beta diversity by dividing the alpha, by dividing the gamma diversity with alpha diversity. Means gamma diversity divided by alpha diversity. Here in case of region 1, the gamma diversity is 7 divided by the alpha diversity 6 is equal to 1.2. The beta diversity is 1.2. In case of region 2, the gamma diversity is 10 divided by the gamma diversity, alpha diversity 4 is equal to beta diversity, which is 2.5. Similarly, in region 3, it is 2.7. So in this way, we can calculate the alpha, gamma, and beta diversity. And this diversity is about the diversity of the morphological species, right? This is the region of the this is the diversity of the morphological species. Suppose if you are given 10 crore rupees and you are asked that among these three regions, which region you will try to protect? अगर आपको 10 लाख रुपए दिए जाए, 10 करोड़ रुपए दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इनमें से किसी एक रीजन को प्रोटेक्ट करना है, तो आप किसे प्रोटेक्ट करना चाहेंगे? Obviously, you will go through the where gamma diversity is highest. So you will opt for region B. But अगर आपसे ये कहा जाए कि इन तीनों regions में किसी एक mountain को आपको protect करना, not the entire region, but only one mountain, and you are given instead of 10 crore only 10 lakh rupees, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, then in which region, which mountain you will try to protect? So in this case, your option will be region 1, mountain number 3, which has the maximum species diversity. So in this way, the concept gets changed. This is not only the one case to calculate the diversity. Sometimes the situation comes in front of us in such a way that we get perplexed, because the gamma diversity, the alpha diversity, it becomes the same. So let us consider the next case. Here, there are two different types of pond A and pond B. Calculate the different type of the species present in pond A and pond B. How many different type of the species are present in pond A and pond B? Calculate. If you calculate, you will come across that both the pond A and pond B, they have 5 different type of the species. Pond A, it also has the 5 different type of species. This is light blue color fish. This is the purple fish. This is the black fish. This is the orange fish. And this is the red fish. So all these colors, they indicate the different type of fish. So here there are 5 different species present in the fish. See the pond 2 here, blue fish, red fish, black fish, purple fish, and orange fish. Here also, the number of the fish, number of the different species present in a pond are the same. So if the number of the species are same, then all your calculation will go into vain if you are not applying the Shannon index. If you are not applying the Shannon index to calculate the diversity or the species diversity, Shannon index. Here the Shannon index is measured by H dash. H dash is equal to sigma pi. This is the natural log pi into natural log pi. Whereas what is pi? Here, I is the number of individuals of a species.
right? Pi is ni upon n. It is the ratio of total number of the species divided by the number of individuals of a particular species. Number of individuals of a particular species divided by total number of the species is equal to Pi. So first you will calculate the Pi, then you will take the natural log of the Pi, then you will multiply Pi with the natural log and then sum this total. Then you will get the Shannon index to calculate the biodiversity. See here. In this case, see the formula, H dash is equal to minus, we forgot to put a minus in previous slide here, the minus is there, minus sigma Pi into ln means natural log Pi, where H is the Shannon index and Pi is the proportion of the total samples presented by the species I. So let us consider these two ponds. Number here in column one, the number of the species are there. There are five different type of the species. The colors indicate the type of the species, the A, B, C, D, E. And here you can see the species A, which is, I suppose it is a black color fish. There are six different individuals of black color fish. Whereas the rest other colored fish, they are represented by only one individual. So 6 plus 4 is equal to the total number of the individuals are 10 and the total number of the species are 5. So let us take one by one. In case of species A, which is black color fish, the total number of the individual is 6 divided by, total number of the individual of species A is 6 and it is divided by the total number of the all fish is 10. So 6 by 10 is equal to 0.6. Here the value is in percentage but in decimal. So here we get the percentage 0.6. In case of species B, only one individual is there. 1 divided by 10 is equal to 0.1 and so on. So we calculated the percentage in decimal point. In next column, we took the natural log. For calculating the natural log, you can take the help of the either log table or you can help the scientific calculator. If you take the natural log of 0.6, the value will come in minus 0.51 and the natural log of 0.1 is minus 2.30 and so on, right? In the next column, we multiplied Pi, that is this Pi, percentage means Pi, this is the Pi, and natural log Pi, percentage is Pi. And what is the proportion? हमने यहाँ पर क्या calculate किया? It is the proportion. Means total number of individual of one species upon total number of individuals of all the species. So this is the Pi. So this Pi multiplied with natural log, the value comes to minus 0.30. And similarly, we multiplied the natural log of 0.1. The natural log of 0.1 is 2.30 multiplied 0.1 with minus 2.30. It comes to minus 0.23. And we sum all these values. Means 3.0 minus 3.0 plus minus 0.23 and so on. The sum will come minus 1.22. The sum is 1.22 in minus. The H value is equal to minus. Now you will have to multiply with the minus plus. So the H index for this pond species diversity or the Shannon index diversity for the pond one, it comes to 1.22. Similarly, with the same procedure, if we go through, then we will find that the Shannon index for pond 2 is 1.6. Here we come across the difference, the Shannon index. Here the Shannon index for the pond 2 is high. Why it is high? Because each species is represented by the equal number of the individuals. Means all the species, they are equally represented in this habitat. Therefore, in terms of the biodiversity,
or in terms of the Shannon index, it has the rich biodiversity in comparison to the pond one. Right? So where you get confused with equal number of the species present in two different type of the habitat, we follow the Shannon index diversity. We apply the formula, get the result, and with this formula, we come across that which one is rich in biodiversity. Though the species number in two different community or the two different ecosystem are the same. Why this is the rich in diversity? Because equal number of the species means not a single species in dominant condition. Whereas in case of the pond number one, here you will come across that one species, that is the black color fish, is abundant in comparison to the other species. Other species, they are represented by only one individual, whereas the black color fish is very dominant among all the species and it is represented by the six individuals. So here the diversity is skewed, it is stressed towards one species. And here in pond two, the diversity is equally distributed. So in terms of the diversity point of view, the Shannon index indicates that the pond two has the better represented diversity than the pond. So in this way, we can calculate the diversity, or it is the diversity of the species using morphological concept. So this is all for today.